तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं, एक सबसे अहम प्रश्न बच्चों के जहन में होता है कि आखिर सर पढ़ाई का टाइम टेबल हम कैसे बनाएं। आज जितने भी हमारे एनडीए एस्पिरेंट हैं, जितने भी सीडीएस के एस्पिरेंट हैं, एफकैट एस्पिरेंट हैं, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एसएससीजीडी के हैं, सबका प्रश्न यही है कि सर आखिर टाइम टेबल कैसे बनाएं। आखिर जो बच्चा सक्सेस होता है सर, वो किस तरह के टाइम टेबल को फॉलो करता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होती है, कैसे टाइम मैनेजमेंट वो करता है सर? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि अहम भी हैं। अगर वाकई में इस बार अपने लक्ष्य को भेदने की आप तैयारी कर रहे हैं, अपने टारगेट को क्रैक करने की, तो मैं सबसे बड़ी चीज़ यही कहना चाहूँगा कि आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है बच्चों के सामने कि सर इतने बिजी शेड्यूल में, जहाँ इतने सारे डाइवर्जन्स हैं, इनके बीच में टाइम मैनेजमेंट को सही ढंग से एग्जीक्यूट कर पाना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सर, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कनेक्शन की, तो जिनके वजह से कहीं ना कहीं डाइवर्जन है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आखिर हम करें तो करें क्या करें? एक बड़ा अच्छा मैसेज समाज में ये भी रहता है कि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो एक भावना क्या है, एग्ज़ाम के नज़दीक होने पर हम पूरी पूरी रात पढ़ाई करेंगे, चाय के सहारे, अन्य चीज़ों के सहारे, जो कि मुझे लगता है टेक्निकली सही नहीं है। एक बेहतरीन योद्धा वो होता है जो युद्ध की तैयारी सालों पहले शुरू करता है, महीनों पहले शुरू करता है, और युद्ध के टाइम पे बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखते हुए जाके युद्ध में एक अच्छा प्रदर्शन देता है। और मुझे लगता है उसकी रूटीन ही है जो उसको एक योद्धा के तौर पर स्थापित करती है। तो मुझे लगता है कि सफल कॉम्पिटिटर को मैं जब ध्यान से देखता हूँ तो सबसे खास बात यही है कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी का टाइम टेबल एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ महीने पहले बनाते हैं, और महीने पहले बना करके पूरी निष्ठा और शिद्दत के साथ उसको फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप एक बेहतरीन टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपको कोई सफलता से रोक नहीं सकता है। बट इन सबके बीच जो सबसे अहम है कि सर एक टॉपर का टाइम टेबल क्या होता होगा, आखिर ये स्टडी टाइम टेबल होता क्या है सर? स्टडी टाइम टेबल एक रूटीन है जिसे हम बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक फॉलो करते हैं और उसी रूटीन के आधार पर चलते हैं। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट, स्टडी इंटरवल, आवश्यकता अनुसार अदर एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो अपनी आपकी पढ़ाई है उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से चैनलाइज करना, हर उस सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना और एक सिस्टम के साथ डे बाय डे खुद को आगे लेके बढ़ना, इसी को कहा जाता है स्टडी टाइम टेबल, जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्क करता है। और आपके ऑब्वियसली जो आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत क्लियर कर देता है और आप बिल्कुल डे बाय डे महसूस करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं। अब अगला अहम चीज़ आता है कि सर टाइम टेबल बनाना क्यों चाहिए, ठीक है ना? ऑब्वियसली टाइम टेबल बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि आखिर एक कम समय में कैसे बेस्ट एफर्ट्स के साथ अपने लक्ष्य को भेजा जाए। असल जो उद्देश्य है मुझे टाइम टेबल का लगता है वो यही है। इसमें आप बिल्कुल हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप सोशल लाइफ से कटेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को वैल्यू है। आपकी एक सोशल लाइफ भी है, स्टडी लाइफ भी है, और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की भी लाइफ है, और सब में एक सामंजस्य बनना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक बेहतर जो है स्टडी टाइम टेबल ही ये चीज़ मेंटेन कर सकता है। दिन भर आप चिंता से मुक्त रहें, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपके डे का रूटीन क्या है और इस टाइम पे आप वही कर रहे हैं जो एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको करना था। तो मुझे लगता है कि इससे आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में नहीं आएंगे, बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे और ख़ुद को काफ़ी खुशनुमा भी महसूस करेंगे, और ये स्टडी को बहुत इम्प्रूव करता है। टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के पेपर रूटीन पे आते हैं तो आपके बॉडी के अंदर भी इनहेरेंट ये रूटीन बेटर डेवलप हो जाती है, जिसके आप आदतन हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये आदत आपके जीवन में आगे बढ़ने की आपको बहुत मदद करती है। फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर टाइम टेबल फिर आखिर बनाएं कैसे, सर टॉपर्स का टाइम टेबल सर कैसे बनता होगा, क्या ऐसा करते होंगे? तो चलिए आज कुछ इफेक्टिव टाइम टेबल टेक्निक्स के विषय में हम बात करेंगे, और जो मुझे लगता है आपको जानना भी चाहिए कि आखिर ये चीज़ों को ध्यान रख करके, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो फेक टाइम टेबल बनाते हैं, आज बनाते हैं तो कल ही से फॉलो करना उसको भूल जाते हैं, तो ऐसे टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं होता। मुझे लगता है टाइम टेबल एक जो है ना विजन की तरह, एक लक्ष्य की तरह है जो आप प्लान करते हैं कि हाँ आपको अगर 10 किलोमीटर जाना है तो आज कितने किलोमीटर किस रूट से, आज कितने किलोमीटर किस रूट से, और जब पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, पैकेजिंग के साथ चलते हैं, तभी आप 10 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाते हैं। उसी तरह टाइम टेबल का रोल है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी बच्चा कि एग्जैक्ट आपका रूटीन क्या है। कभी कभी क्या होता है हम दूसरे की रूटीन को कॉपी करके टाइम टेबल बना देते हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी रूटीन है, अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल है। ये सच है कि आज मैं एक टाइम टेबल यहाँ जरूर आपसे डिफाइन करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं नेशनल डिफेंस अकेडमी का हिस्सा बनेंगे, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का हिस्सा बनेंगे, इंडियन नेवल अकेडमी का हिस्सा बनेंगे, एयरफोर्स अकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, किसी न किसी अकेडमी का आप हिस्सा बनेंगे। तो लाजमी सी बात है कि हर अकेडमी का अपना रूटीन होता है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि अगर आपने लक्ष्य फौज ही बना रखा है तो आपके जीवन का रूटीन यह होना चाहिए, क्योंकि आगे भी चल के उसी रूटीन को आपको जीना है। तो मैंने वही कहा कि पढ़ाई के साथ साथ आप और क्या करते हैं आपको जानना होगा।
आपके घर में और कौन कौन से कार्य हैं जो आप करते हैं, उनके विषय में जाना होगा। किस वक्त आप अपनी कोचिंग क्लासेस जाते हैं, कब आप खेलना पसंद करते हैं, फ़ोन पे आप कितना वक्त बिताते हैं, किससे बात करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कितने एक्टिव हैं, इन सब चीज़ की मुझे लगता है आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। एक रियल अपनी भी रूटीन की एनालिसिस जब आपके पास होती है ना, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि आपको किस तरह से अपनी रूटीन को बनाना चाहिए और कैसे इसको वेल ऑर्गेनाइज करना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप एक कॉम्पिटिटर के तौर पे खुद की रूटीन और टाइम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन में है उनकी लिस्ट ज़रूर बनाएं और देखने की कोशिश करें कि आखिर वो जो सब्जेक्ट हैं उनमें कहाँ आपकी कमांड है, कहाँ आपकी कमांड नहीं है, आखिर उसको एक्स्ट्रा टाइम कैसे देना है। तो मुझे लगता है कि पेपर के हिसाब से भी आपको एक लिस्टिंग तैयार करनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की और टॉपिक्स की, जिस पर आप एक सही तरीके से एनालिसिस करके आगे बढ़ सकें। आपको हर एक सब्जेक्ट और एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये टाइम टेबल का ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि हर चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। इससे आपको बचा हुआ समय उसको इस्तेमाल करके आप एक सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, भाई बहुत सारे सब्जेक्ट आप कमज़ोर होंगे, बहुत सारे में आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो आपको ये समझना है कि आपको कहाँ कितना समय किस तरीके से देना है। तो चलिए कुछ बेसिक टिप्स की बात करता हूँ जो मुझे लगता है कि जब टाइम टेबल आप बना रहे हो तो आपको फॉलो करना चाहिए। आई समझते हैं उन टिप्स को क्रमवार तरीके से। सबसे पहली चीज़, कुछ सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, भाई वहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा। अभी नहीं देंगे तो आप कब देंगे? सिलेबस को ध्यान से देखें। अब लाजमी बात है, सिलेबस भी देखो तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सिलेबस काफ़ी वास्ट हैं, भाई वहाँ पे भी आपको समय क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा एक है जहाँ आप कमज़ोर हैं, एक है जिसका सब्जेक्ट का सिलेबस वास्ट है, दोनों को बेहतर तरीके से समझ करके आपको समय देना होगा। किसमें आप स्ट्रांग हैं और किसमें आप वीक हैं, ये आपको समझना जिम्मेदारी है। सब्जेक्ट कमज़ोर होगा उसमें समय अच्छा देंगे तभी आप रिलैक्स फील करेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट पे कमांड भी होती है, तो मुझे लगता है सोने से पहले आखिरी टाइम में भी ऐसे सब्जेक्ट को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको मदद मिल जाती है, ठीक है ना। बट अगर आप बोरिंग सब्जेक्ट को रात में पढ़ोगे जब सोने का टाइम हो रहा है तो और तेज़ नींद आ जाएगी आपको। तो लाजमी सी बात है उन सब्जेक्ट में आप सोने के पास टाइम दीजिए जिनमें आपका इंटरेस्ट लेवल अच्छा और आपका कमांड ऑलरेडी अच्छा है। खेलकूद एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो वो भी बहुत अहम हो जाता है। और मुझे लगता है कि टाइम टेबल जहाँ आप चिपका रहे हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी के सामने रखिए। उसमें कोट जरूर कुछ लिखिए, मोटिवेशनल कोट्स, क्योंकि क्या होता है बना तो आप लेते हैं लेकिन आप उसको भूलने में भी समय नहीं लगाते हैं। तो मुझे लगता है अगर वो अच्छे कोट्स आपके पास होंगे मोटिवेशनल, तो आपको बहुत मदद करेंगे और आप उन चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। और कभी जब भी आप निराश हों, बिल्कुल ये वीडियो भी मेरा देख सकते हैं जिसमें मैं बहुत ईमानदारी से सारी बातें आपके सामने क्रमवार तरीके से रख रहा हूँ। अब सबसे अहम है कि रूटीन क्या होना चाहिए। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, देखो हर बच्चे की अपनी अपनी रूटीन है, बट मैं हमेशा एकेडमी से कंपेयर करता हूँ, तो एटलीस्ट यार कम से कम 5:30 तो उठने का टाइम होना चाहिए, 5:36 AM आपका वेकअप होना चाहिए, डेली एक्टिविटी जो अपनी है 6:00 तक कंप्लीट कर लें, 6 to 6:30 बिकॉज कॉम्पिटिटिव आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं और कमीशन कैटेगरी में है, तो न्यूज़पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में, आधे घंटे उसके भी हिस्से बनते हैं। वो कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप कैरी कर सकते हैं जो आप चाहें। 6:30 to 7 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट इन सेंस कि भाई हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में तो ब्रेकफास्ट मिल ही जाता है, बट अगर आप डेलीगेसी में भी रह रहे हैं तो कम से कम अपना चना हो गया, मूंग हो गया, अपनी जो बेसिक चीज़ें फ्रूट्स हो गई, चाय हो गया, ब्रेड हो गया, एक बेसिक मैनेजमेंट अपना भी आपको रखना चाहिए। 9 से 10 के बीच में जाने से पहले 7 से 9 का जो टाइम है उसको स्टडी का पहला पार्ट रखिए, 2 घंटे लगातार। 9 से 10 में आप जो है अपना थोड़ा सा टाइट जो है ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि सुबह से रूटीन आपका शुरू हुआ तो थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। फिर 10 से 12 स्टडी टाइम रखिए, 12 से 1:30 के बीच में लंच पीरियड आप अपना रख सकते हैं, एंड 1:30 से 2 या 2:30 जो भी टाइम है, मुझे लगता है लेजर टाइम थोड़ा है तो आप रेस्ट भी ले सकते हैं 1 घंटे का दोपहर में, ऐसी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी तक में आपने 2-2 घंटे के 2 स्लॉट निकाल लिए हैं 4 घंटे के, तो मुझे लगता है कि इसके बाद उठिए तो कम से कम 2 घंटे फिर से स्टडी को समय दीजिए, वो 4 बज जाए 4:30 बज जाए, मतलब 2:30 से 4:30 हो जाए, फिर उठिए 1-1.5 घंटे अपने स्पोर्ट्स को भी आप टाइम दीजिए, शाम को थोड़ा चिल करिए, मुझे लगता है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक खुद को समय दीजिए 1-1.5 घंटे का, या 6:30 तक का भी टाइम आप ले लीजिए, 2 घंटे का भी कोई ऐतराज़ नहीं मुझे, स्पोर्ट्स में दोस्तों के साथ चिलैक्स थोड़ा सा रिलैक्स करिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। फिर 6:30 से लेकर 8:30 तक आप डन कर लीजिए अपना जो है 2 आवर्स का और सेशन, और 1/2 घंटे फिर आप डिनर डन कर लीजिए, और 9 बजे से लेकर मैं यही कहूँगा कि 10 बजे तक अपना रिविज़न कर सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स सोने का टाइम मैं 11:00 मानता हूँ, तो 9 से 11 आपके पास है तो उस सब्जेक्ट को इसमें ज़रूर रखिए जो आपके लिए आसान है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रूटीन है 5:30 to 11 जो मैंने आपको समझाई, ये मेरी तरफ से है, और हर बच्चे का अपना अलग अलग प्लान हो सकता है, अपनी अपनी चीज़ें हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आप डिसाइड करिए और इस चीज़ को लेके चलिए। रूटीन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वाकई में रूटीन कमाल की है। अगर आप इसमें टेक्निकली जा रहे हो तो मैंने 8 घंटे का आपको टाइम स्टडी का दिया है, बट प्रश्न ये भी है कि इस दौरान आपकी ट्यूशन क्लासेस भी हो सकती हैं 4 घंटे की, तो मुझे लगता है कि आप जब कट पिट करेंगे तो कम से कम 6 आवर तो ऐसे आपके पास जरूर होंगे जो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए होगा। और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी के साथ 6 आवर की सेल्फ स्टडी आप लेके चल रहे हैं तो
कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बेटा, आप जो तय करना चाहते हैं वो तय कर लेते हैं। और अक्सर मैं ये कहूँगा कि टाइम टेबल हमेशा अपने स्टडी टेबल के बगल में, मिरर के बगल में ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसमें एक इमेज, एक प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। यही वो जर्नी है जिससे आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। एंड टाइम टेबल को फॉलो करते वक्त भी कहते हैं कुछ चीज़ों का खासा ख्याल रखना चाहिए, जिसमें आपका बीच में जो पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा बहुत डल ना होइए, थोड़ा सा ब्रेक भी लीजिए, सब्जेक्ट को बदलते भी रहना ज़रूरी है, खुद को भी शाबाशी दीजिए, अच्छे सवाल कर ले रहे हैं, थोड़ा गुनगुनाएं, थोड़ा गाएं, थोड़ा हंसें, मुस्कुराएं, अपने को पॉजिटिव करें, सेल्फ प्रिजर्व भी ज़रूरी है आपके लिए। एंड ऐसी जगह पढ़ाई करें जहाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी हो, घूमते झूमते हुए पढ़ाई ना करें, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन सेटिंग आपकी होनी चाहिए। मोबाइल जितना दूर फेंक दें उतना आपके लिए अच्छा है। मुझे ऑनेस्टली दुख होता है कि आज मोबाइल इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि मुझे लगता है कि उसके बिना आप कुछ सोच ही नहीं पाते, आपका दिमाग जब्त हो जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण आज भी सवाल बेटा खुद से ही लगते हैं और वो सवाल आपके पास बुक में ही होते हैं। तो जितना पेपर पे जाइए मुझे लगता है आज के टाइम में उतना आपके लिए बेहतर है, आज की कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए, बेहतर स्कोर करने के लिए, ठीक है ना। और जितने भी टॉपर्स हैं मैं जब उनसे भी बात करता हूँ तो उन्होंने एक ही अच्छी बात मुझे हमेशा कही कि सर हम मोबाइल से बहुत दूर हैं। तो ये सुझाव मैं आपके लिए भी दूंगा, इसको गंभीरता से लीजिए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि टाइम टेबल जो है आपके जीवन का बहुत बड़ा रोल है, इसको किस तरह बनाना है, किस तरह यूज करना है, उसको फॉलो करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी बातें जो है मायने रखती हैं। मैं जानता हूँ इस चीज़ को बनाना, फॉलो करना थोड़ा दर्द होगा, कभी ब्रेक होगा, कभी चीज़ें टूटेंगी, फिर डिमोरलाइज आप होंगे, बट मुझे लगता है कि ज़िंदगी का मतलब यही है। समय बहुत कीमती है बेटा, अगर इस समय को आपने ध्यान दे दिया तो आप जो चाहते हैं ज़िंदगी वो बन जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज जो रूढ़ी मैंने डिस्कस की है बहुत सारे छात्रों के जीवन का हिस्सा भी होगा। तो कमेंट सेक्शन में भी बढ़ चढ़ के बताइए क्या वाकई में आपके जीवन की रूटीन ये है, क्या वाकई में कम से कम 6 आवर्स स्टडीज़ के लिए आप निकाल लेते हैं, और अगर ये निकाल करके आप उस एनालिसिस के साथ चल रहे हैं जैसा मैं चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि 100% गारंटी मैं लेता हूँ बेटा आपकी सफलता की। तो बिल्कुल बताइए कौन कौन कमेंट सेक्शन में कि इस रूटीन को फॉलो कर रहा है, और जो नहीं कर रहा वो भी जरूर मेंशन करें और जल्द से जल्द फॉलो करें। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।